जस्टिस आर बी मिश्रा, जैसा कि पल्लव सिसोदिया जी ने बताया कि सरप्रेस करने से किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं कि आप कानून का पालन करा लें। जिस तरह से समाज बदला है, जिस तरह से मीडिया बदली है, जिस तरह से पूरी टेक्नोलॉजी बदल गई है, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि अब हमें भी इस पूरे संदर्भ को समझने की नए तरीके से कोशिश करनी चाहिए और ख़ासकर जो आर्टिकल 19 है उसमें जितने भी रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं उस रिस्ट्रिक्शंस पर भी सोचने की ज़रूरत है। अभी आप सोशल मीडिया पर आलोचना बर्दाश्त नहीं करते हैं, मीडिया के अंदर कोई बात हो जाती है तो आप डिफेमेशन लेके चले जाते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अब थोड़ा दूसरे ढंग से इसको देखने की ज़रूरत है? राशि जी, मेरा कहना है, देखिए विभिन्न परिस्थितियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखिए सहिष्णुता की, टॉलरेंस की। आदमी इतना इनटॉलरेंट हो गया, असहिष्णु हो गया है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा देखिए शुरुआत होती है शब्दों के द्वाल, शब्दों के जो जाल होते हैं या शब्दों का आदान प्रदान होता है वो देखिए कलह पैदा करता है, विवाद पैदा करता है, युद्ध पैदा कर देता है। और देखिए मान लीजिए कोई आदमी उपद्रव करता है, लॉ एंड ऑर्डर देखिए जिले का जब होता है, मान लो कोई अभियान चलाता है, आंदोलन करता है, तो आंदोलनकारियों को जब मान लीजिए राहत थोड़ा सा उसमें कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए अश्रुगस भेजे जाते हैं, पानी छिटकाव होता है, फिर लाठीचार्ज होता है, और नहीं अगर उपद्रवकारी जो है मानते हैं तो उसमें फिर बुलेट या यूज होती है, फिर इसके बाद कभी कभी आदमी उसमें गोली भी चलती है। मेरा ये कहना है कि देखिए आप लक्ष्य कैसे निर्धारित करेंगे। देखिए समाज का लक्ष्य तो निर्धारित है, आप मानव देह पाए हैं, मनुष्य बने हैं, आपका जीवन का लक्ष्य निर्धारित है। आपको अपनी आत्मोन्नत करनी है, ज्ञानवान बनना है, आपको शिष्ट बनना है, आपको अपने जीवन को सफल बनाना है। हम जब देशवासी बन जाते हैं, एक नागरिक होता है, तो हमारा सबसे बड़ा एक कर्तव्य होता है। हम अधिकार की तो बात करते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं। इसीलिए देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कर्तव्यों की बहुत बड़ी व्याख्या तो की गई, लेकिन हमको मन से ये ले आना है कि हम देश के प्रति, समाज के प्रति बहुत बड़ा कर्तव्य है, और कर्तव्य का अगर पालन नहीं करते तो अब समाज में अधिकार की आप रक्षा आपके नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि संविधान में स्वयं भी देखिए उसमें कहा है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, सॉवरिटी ऑफ द कंट्री, इन सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। हम अपने इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सारी चीज आप लिबर्टी जब कहा गया, जब आप थॉट और एक्सप्रेशन और इसकी बिला बात कही गई, अब आप जस्टिस की बात कही, सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस की, कैसे देंगे आप? गरीब को आप कैसे ऊपर ले आएंगे? उनकी इनइक्वलिटी यानी विभेद को आप कैसे करेंगे? ये सब सहिष्णुता के द्वारा होगा, एक दूसरे प्रति परोपकार की भावना, संवेदनशील है, कर्तव्य प्राण होगा। तो बोलने की आजादी और दे देनी चाहिए कि जिसको जो रखना हो वो बोले, तब शायद एक हम स्वस्थ डेमोक्रेसी की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्वतंत्र संवाद की कोई रुकावट नहीं है। आप अगर कोर्ट में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, असेंबली में जाते हैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जाते हैं, अब आप यकीन करिए, अब अगर स्टूडेंट अगर पढ़ा रहा है, अपने टीचर का अपमान करने लगा और कुछ भी बोलने लगा, टीचर कुछ भी बोलने लगा, कोर्ट कचहरी में अगर गाली गलौच होने लगी, मान लीजिए असेंबली में और वो वहां पार्लियामेंट में अगर गाली गलौच होके आप शब्दों का प्रयोग होने लगा, तो देखिए मर्यादा खत्म हो जाती। इसीलिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल सही लगाया गया। आप डिसेंसी मॉरलिटी की बात, मॉरलिटी बड़ा बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। डिसेंसी इतना देखे आप परिधान में, अगर एक्सप्रेशन आप देखे, अब इसी का कारण रहा, देखे उस समय तक बाल गंगाधर तिलक, उनके लेखनी के कारण उनको 6 बरस सजा दी गई, गांधी जी को, भगत जी को, मौलाना कलाम साहब को, बहुत सारे लोग जेल इसलिए गए। देखिए ऐसा नहीं है बोलने पर देखिए आपके स्वतंत्रता पूर्ण है, हमारा 124A सेक्शन ही जोड़ा गया देखिए इसमें, इसीलिए कि देखिए देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह की बात आती है। जी बिल्कुल। तो देखिए मर्यादा के, अगर मर्यादित तरीके से अगर आप चलते हैं और कहते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, तब तो ठीक है। अमर्यादित हुए देखिए, तब वो इंडियन पेनल कोड की, अगर आप सब कुछ सही है तो पेनल कोड की कोई जरूरत ही नहीं हुई।